हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक अनोखी चीज़ के बारे में। हम सभी को पता है कि आज पूरी दुनिया में पानी की कितनी ज़्यादा कमी है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, लेकिन वो हम सभी को प्रभावित कर रही है। आज दुनिया में 10 में से एक इंसान को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। ये कई रीज़न से हो सकता है, जैसे कि ड्रॉट, लेक ऑफ नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर एंड कंटेमिनेटेड वाटर। बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के साथ हमारी वाटर की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और वो हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। और इसी वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक सोल्यूशन बनाया गया है IIT मद्रास इंक्यूबेटेड कंपनी द्वारा, जिसने हवा से पानी बनाकर इसे संभव कर दिया है। और आप जहाँ चाहें और जब चाहें आपको ये मिलेगा, और इसका नाम है वायुजल। वायुजल के को फाउंडर और डायरेक्टर मिस्टर रमेश कुमार सोनी से पता चला है कि एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, जो थिन हवा को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो ह्यूमिडिटी को कलेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में से और यूटिलाइज करता है उसे कंडेंसेशन में। जैसा कि आपने देखा ही होगा, अगर हम एक ग्लास को बाहर रखें जिसमें ठंडा पानी हो, और कुछ समय बाद आप देखेंगे उसमें ड्रॉप्स आ जाती हैं, वो कंडेंसेशन की वजह से ही होती है। जितना भी वाटर कलेक्ट हुआ है कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद, फिर उसे प्योर्ड किया जाता है प्योरिफिकेशन कैट्रिजेस की मदद से। फिर उसके बाद उसमें मिनरल्स डाले जाते हैं ताकि वो पीने लायक पानी बन जाए। जब मशीन पानी कलेक्ट कर लेती है बाय प्रोसेसिंग ह्यूमिड एयर, तब वहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ होता है जो कि एक फ़िल्टर की मदद से लगा होता है, जिसमें कोल्ड एयर पास होती रहती है। जब वाटर कंडेंस हो जाता है, जो कलेक्टेड वाटर है वो एक स्टेनलेस स्टील टैंक में आता है, और जो जब वो वाटर कलेक्ट हो जाता है तो उसको ट्रीट किया जाता है यूजिंग ओजोन, सेंटीमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन्स, यूवी लाइट, और फिर उस प्योर वाटर को एक बार फिर प्योर किया जाता है। ये जो वाटर जनरेटर है वो कहीं पे भी स्टेबलाइज हो सकता है, जैसे कि स्कूल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, हाउसेज हैं और ऑफिसेज हैं। अभी तक कंपनी ने सिर्फ 2 वेरिएंट बनाए हैं, 100 एंड 400 लीटर्स पर डे, लेकिन वो टीम और भी वेरिएंट्स पे वर्क कर रही है, जैसे 30 लीटर एंड 2000 लीटर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सिटीज में वाटर लेवल ग्राउंड का बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है, और ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हुआ है। और हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी खराब हो चुके हैं, ज्यादातर तो हो ही चुके हैं। एंड एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि वाटर बहुत ज्यादा प्रेशियस है, सो यूज इट केयरफुली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।